वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप से आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से परफेक्ट होंगे। तो फैमिली, मैं अपने रूम में अभी रेस्ट कर रही थी और मुझे अचानक से कुछ शोर सुनाई दिया, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही हो रहा होगा। लेकिन गाइस, मैं क्या ही देखती हूँ, जैसे ही मैंने विंडो ओपन की, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रखी थी कि मैं क्या ही बताऊँ गाइस। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और सुबह तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और मतलब एकदम से इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी, बहुत तेज़ धूप थी और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि बारिश इतनी तेज़ हो जाएगी। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार। और गाइस अभी ना मैं एकदम से ऊपर आई अचानक भागी भागी, क्योंकि गाइस मिनी जू के बर्ड्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बारिश से, लेकिन ना ऊपर हमारे कबूतर भी रहते हैं, तो अभी जब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो सिंपल सी बात है कि वो भीग रहे होंगे बारिश में, तो उनको भी चलकर देखना होगा। लेकिन पहले एक बार मिनी जू में देख लेते हैं कि कोई बर्ड परेशान तो नहीं है, किसी के ऊपर पानी वगैरह तो नहीं आ रहा है ना किसी के जाल के ऊपर, उसके बाद जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारे मिनी जू के सभी बर्ड्स एकदम से ठीक हैं और यहाँ पर देखिए सभी बारिश का पूरा आनंद उठा रहे हैं। देखिए सभी आराम से, कोई भीगने में लगा हुआ है, कोई हवा चल रही है बारिश के साथ साथ, तो उसको एंजॉय कर रहा है। देखिए और बारिश ना गाइस बहुत ही ज़्यादा हो रही है। देखिए आप लोगों को वहाँ से, यहाँ से तो दिखाई नहीं देगा, मैं बाहर जाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। और गाइस पता है, यहाँ से जो यहाँ पर पहले जो मैंने डायमंड डव का एक केज लगाया हुआ था ना, वो मेन रीज़न यही है कि मैंने उसको यहाँ से हटा के और वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि ना फैमिली, क्या होता था कि जब भी एकदम से बारिश तेज़ होती थी, देखिए अभी भी वहाँ पर कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, तो अगर मैं नहीं हटाती ना तो फिर यही होना था गाइस, इनके जो एग वगैरह हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। उस दिन जब बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो देखिए ये वाला जो यहाँ पर आप लोग एक नेस्ट देख रहे होंगे जो कि मैंने कॉर्नर में लगाया हुआ है इनके लिए, इसके अंदर गाइस पानी भरा हुआ था और एग ख़राब हो गए। एग तो इनके वैसे भी फर्टाइल होते ही नहीं है, पर लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो होती है ना गाइस, इनके एग वगैरह भीगे हुए थे, नेस्ट पूरा भीग रखा था, ये भी भीगे हुए थे। तो मैंने देखिए अभी भी वहाँ पर पानी आ रहा है, तो इनको वहाँ से और यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो अभी काफ़ी हद तक रिलीफ है। और बाकी के बर्ड्स तो गाइस सेफ हैं यहाँ पर, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए मिनी जू में भी इतना ज़्यादा कोई पानी वगैरह यहाँ पर आता नहीं है, ऐसे खास सूखा सूखा रहता है बस, वहाँ देखिए ज़्यादा तेज़ बारिश होती है ना तो वहाँ थोड़ा पानी भर जाता है, बाकी यहाँ पर पूरा ऐसा कुछ नहीं है कि पानी वगैरह इकट्ठा हो। और फैमिली देखिए, यहाँ से भी ना ये मैंने पहले पूरा विंटर सीजन में कवर अप कर दिया था, लेकिन अभी ना ये जब तेज़ हवाएं चलती हैं और मतलब पूरा समर सीज़न निकल गया, तो इस वजह से देखिए ये भी पूरा का पूरा जो तिरपाल लगाया हुआ था सब फट गया है। तो गाइस यहाँ पर भी ना अब मुझे एक नया तिरपाल लगाना होगा, नया तिरपाल इसलिए लगाऊंगी गाइस क्योंकि अभी आगे विंटर सीजन आएंगे, तो फिर हमारे जो बर्ड्स हैं उनको सर्दी लगेगी, भीगेंगे। वैसे भी यहाँ से पूरा कवर अप हो जाएगा, ये भी और ये भी और यहाँ से भी पूरा, तो फिर इनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं। तो मिनी जू के बर्ड्स को तो हम लोगों ने देख लिया है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। और चलिए अब अपने कबूतरों के ऊपर जाकर एक नज़र डाल लेते हैं कि पता नहीं वो ऊपर क्या ही करने में लगे हुए हैं। तो फैमिली अभी ना मैं छत पर आ चुकी हूँ और देखिए अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी थी कि बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आ रही थी। बारिश जो है गाइस वो हल्की हल्की हो गई है, देखिए अभी भी हो रही है लेकिन हल्की हल्की हो रही है, और साथ में भी इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा था जैसे कि बिल्कुल शाम ही हो गई है, जैसे विंटर सीजन में नहीं होता है, 6 से 7 बजे का समय जो होता है शाम को, बिल्कुल ऐसा हो गया था। और अभी देखिए फिर से मौसम साफ हो गया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और यहाँ पर देखिए गाइस जैसा कि मैंने कहा था वही चल रहा है यहाँ पर। हमारे जो बाकी के कबूतर बाहर रह जाते हैं ना गाइस, वो देखिए कैसे यहाँ पर आराम से भीगने में लगे हुए हैं, ये देखिए खूब अच्छे से भीग गए हैं और बहुत अच्छे से इनको ठंडक भी मिल गई होगी, क्योंकि क्या करते हैं जब मैं इनके लिए पानी रखती हूँ तो उसको भी उसमें भी नहाना होता है इनको, और वैसे भी हल्की फुल्की बारिश हो तब भी ये नहाते ही हैं, और आज तो बारिश इतने अच्छे से खुल के पड़ी है, तो देखिए कितने अच्छे से भीग भीग के और अब आराम से अपने आप को सुखाया जा रहा है। ये देखिए वहाँ पर ये सब एक से बढ़कर एक हैं, ये देखिए देख रहे हैं गाइस, और कुछ वहाँ पर बैठे हुए हैं, दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ वहाँ बैठे हुए हैं। और फैमिली एक काम तो बड़ा ही अच्छा हुआ, जब मैंने मॉर्निंग में फीड करा के गई थी ना, तो ये पेटी तो मैंने अच्छे से ढक दी थी, लेकिन ये पिन्नी वगैरह नहीं ढक के रखी हुई थी। और अभी हो सकता है कि जब तक मुझे नहीं पता था कि बारिश हो रही है बाहर इतनी ज़्यादा,
तो मेरे घर में से किसी मेरे फैमिली मेंबर ने यहाँ पर देखिए कबूतरों की जो पेटी है ना उसको अच्छे से कवर अप कर दिया है ताकि ये भीगे ना। चलो ये काम तो अच्छा हुआ वरना मुझे आने में यहाँ तक देरी हो जाती और ये सब कुछ यहाँ पर सब भीग जाना था। और देखिए फैमिली इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि देखिए वहाँ पर जाल में भी पूरे में पानी भर गया है ये देखिए। और गाइस ऐसा है नहीं लग नहीं रहा मुझे कि जैसे कि अभी बारिश नहीं होगी, बारिश और भी हो सकती है। ये देखिए यहाँ जो बाहर बाहर का एरिया है ना गाइस यहाँ पर पानी भर गया है, अंदर की तरफ से तो सूखा हुआ है सब लेकिन यहाँ पानी भर गया है। और गाइस हो सकता है कि बारिश ना फिर से आ जाए एक बार, लेकिन ये जो शैतान यहाँ बैठे हुए हैं ना इनको बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आप लोगों को कितनी बार बताया हुआ है कि जब ये एक बार बाहर निकल जाते हैं तो फिर ईजिली अंदर जाते नहीं हैं। ये देखिए तो खैर कोई नहीं गाइस, अभी बारिश तो बंद हो ही गई है तो अभी काफ़ी हद तक हमारे जो कबूतर हैं वो सेफ हैं। और जो बारिश में भीग भी गए हैं तो अभी जैसे कि हवा चल रही है और हल्की हल्की धूप भी निकल गई है तो ये भी आराम से इनके जो पर वगैरह हैं ना जो गीले हो गए हैं बारिश की वजह से वो भी सूख जाएंगे। तो और बाकी बारिश अगर बाद में आती है तो वो बाद की बात है, लेकिन अभी तो ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि मौसम खुल गया है और आसमान भी साफ नज़र आ रहा है देखिए एकदम से। तो फैमिली बारिश भी अभी बंद हो चुकी है और यहाँ पर भी अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए सब अभी आराम से ठीक ठाक हैं, कुछ अंदर बंद हैं और पेटी वाले कबूतर पेटी के अंदर बंद हैं। ठीक है तो आज के लिए दीजिए इजाज़त और कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पर न्यू कंटेंट के साथ। और आज का ये बारिश वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना ठीक है। और ब्लॉगर को की पैट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना। कल मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय एंड टेक केयर।